So hello everyone, this is CS Sanjeevani Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. And सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, a lot of thanks to you कि आपने choose करा है मुझे as a mentor, आपने choose करा है मुझे as a coach. And अगर आपने ये संजीवनी course लिया है तो definitely आपने कहीं ना कहीं एक faith show करा है, एक विश्वास show करा है कि अगर आप ये course लोगे तो definitely इससे आपके exam में आपको boost up मिलने वाला है. तो पूरी कोशिश होगी मेरी तरफ से कि ये संजीवनी कोर्स का बेनिफिट आपको जरूर मिले और आपके एग्जाम्स में ये संजीवनी की तरह काम आए. लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये संजीवनी कोर्स वाकई में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो और ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम आए, तो प्लीज फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ. ठीक है, प्लीज फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ. संजीवनी कोर्स के अंदर मैं कोई सिलेबस का इंट्रोडक्शन नहीं करने वाला, सिलेबस में क्या क्या कवर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज नॉर्मली वो सब आपको पता है. संजीवनी कोर्स के अंदर हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहली चीज, जो सिक्वेंस आपको दी गई है उस सिक्वेंस में आप करिएगा क्लासेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लीज डोंट फास्ट फॉरवर्ड. नॉर्मली बच्चों की आदत होती है कि क्लासेस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं. ठीक है यार, रेगुलर क्लास में समझ आता है, फास्ट ट्रैक में भी एक बार को समझ आता है. आइडियली फास्ट ट्रैक में नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं. बट प्लीज यार, संजीवनी कोर्स मुश्किल से 20-22 घंटे के अंदर पूरा ऑडिट मैंने कवर करके आपको दिया है, मुश्किल से 20-22 घंटे के अंदर. अब उसमें भी फास्ट फॉरवर्ड करोगे क्या यार? ऑलरेडी मेरा स्पीड फास्ट है, और अगर वहां भी तुम फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा. एटलीस्ट पहली बार जब आप देख रहे हो इस संजीवनी कोर्स को, तो फास्ट फॉरवर्ड मत करो. यस, अगर सपोज आप चाहते हो कि एक बार अपना संजीवनी कोर्स देख लिया, आपको मन है कि मैं दोबारा से इस कोर्स को देखना चाहता हूं, उस सिचुएशन में आप फास्ट फॉरवर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, इन दैट सिचुएशन यू कैन डू फास्ट फॉरवर्ड. बट एटलीस्ट जब पहली बार संजीवनी कोर्स देख रहे हो ना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना. एंड अदर थिंग, प्लीज मेक श्योर कि जब आप संजीवनी कोर्स देख रहे हैं, आप अपने 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंग क्लासेस नहीं देख रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी सी फास्ट रहती है, और अगर उस वक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, आपको समझ हो सकता ना है. ठीक है, थर्डली, संजीवनी कोर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड फोकस. बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हमें चीज कवर करने वाले हैं. मेरा ऑब्जेक्टिव खाली एक है संजीवनी कोर्स में, अगर कोई बच्चा 40 में अटक रहा है तो आप एग्जामिनेशन तक पहुंचे. अगर कोई बच्चा ऑडिट में पास नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट आप पास हो जाएं. एटलीस्ट 50 नंबर तो हर किसी का आ ही जाना चाहिए. तो जो भी संजीवनी कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना गारंटी है मेरा कि 50 मार्क्स आप ला ही सकते हो, और अगर आप मेरी गाइडेंस प्रॉपरली फॉलो करते हो, आप एग्जामिनेशन भी टारगेट कर सकते हो. 50 तो 100% ला ही सकते हो विदाउट एनी डाउट, और एग्जामिनेशन भी टारगेट कर सकते हो, 70 भी टारगेट कर सकते हो, अगर आप मेरे गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करोगे. ठीक है, अब ये जो संजीवनी कोर्स आप देख रहे हैं, संजीवनी कोर्स के अंदर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ाया हुआ है. आई हैव एक्सप्लेन यू फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बुक. अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट बुक फॉलो कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है. अगर आप कोई दूसरे टीचर का कॉन्सेप्ट बुक फॉलो कर रहे हो सपोजिंगली, और मेरा संजीवनी कोर्स साथ में देख रहे हो, तब आपको वो एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी कि भाई जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वहां निकालना होगा, या फिर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरी बातें सुन सकते हो, आंख बंद करके उसे रिकैपिटुलेट कर सकते हो और फिर बाद में उस बुक से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, दैट इज अनदर ऑप्शन. उसके बाद पहले आप 20 से 22 घंटे लगाकर इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कंप्लीट करोगे, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करोगे. इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स में जो मेन फोकस किया गया है, कॉन्सेप्ट्स में किया गया है. राइट, द फोकस इज ऑन कॉन्सेप्ट्स. 20 से 22 घंटे में पूरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर फोकस किया गया है. कहीं कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कहीं मैंने आपको लर्निंग टेक्निक बताई है, कहीं साथ साथ याद करने की कोशिश की है, इंटरलिंकिंग बताया आपको. अब साथ में आप क्या करोगे, हमेशा एक नोटबुक रख के रखोगे. जब भी आपको लगता है कि मैं कोई रेलिवेंट बात बता रहा हूं जो कि बुक में नहीं लिखी है, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. सेकेंडली, आफ्टर डूइंग दिस संजीवनी कोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक रिलायबल क्वेश्चन बैंक चूज करना है. यू कैन ऑल्सो रेफर द इंस्टीट्यूट्स प्रैक्टिस मैनुअल, RTPs, MTPs, बट उसमें मेहनत ज्यादा हो जाता है. पहले PM रेफर करोगे, फिर RTP रेफर करोगे, फिर MTP रेफर करोगे. ऑल्टरनेटिवली यू कैन चूज रिलायबल क्वेश्चन बैंक. मेरा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरा क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट में कोई और क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, बट प्लीज एंश्योर दैट इज रिलायबल. क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आपने कॉन्सेप्ट कवर किया, फिर आपने क्वेश्चन बैंक के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आपने एक बार संजीवनी कोर्स देख लिया, एक बार थोड़ी बहुत चीज आपके दिमाग में बैठ गई, बहुत जरूरी है कि आप उसे एग्जाम तक कैरी फॉरवर्ड करके जा सकें.
तब उस सिचुएशन में काम आएगा मेरा रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा है। आई हैव प्रोवाइडेड यू माई रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स जो कि आपको www.apnamentor.com में मिल जाएगा। आप प्लीज उन ऑडियो क्लिप्स को बार बार सुनते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा। संजीवनी कोर्स में आपने पूरा ऑडिट 22 घंटे में रिवाइज किया है ऑडियो क्लिप्स के थ्रू। पूरा ऑडिट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप 6 घंटे में रिवाइज कर लोगे, 6 आवर्स में रिवाइज कर लोगे, राइट। तो वो ऑडियो क्लिप्स बार बार सुनते जाइएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज हियर द ऑडियो क्लिप्स अगेन एंड अगेन, दैट विल हेल्प यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। आपने संजीवनी कोर्स देख लिया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, आप ऑडियो क्लिप सुनते जा रहे हो। अब एक लास्ट चीज जो आपको करनी है, असेस योर परफॉर्मेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है उनको आता है, बट जब वो एग्जाम में लिख के आते हैं दे डोंट रियलाइज कि उन्होंने कहाँ गलतियां करी है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस करोगे। प्लीज डू गिव टेस्ट, प्लीज टेस्ट। आपको याद होगा आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो बचपन में इतना अच्छा परफॉर्म करते थे, 70, 80, 90, 95 इस तरीके से मार्क्स लाते थे और आज 40 लाने में स्ट्रगल कर रहे हो। एक बहुत बड़ा रीजन है टेस्ट। आपको याद है पहले आप यूनिट वाइज टेस्ट देते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, सिलेक्शन टेस्ट देते थे, फिर आपका एग्जाम होता था, आप अच्छा प्रिपेयर करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो स्टार्टिंग के टेस्ट हैं आपको उसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं, बट जब फाइनल जब तक आपका फाइनल का एग्जाम आता था यू यूज टू परफॉर्म रियली वेल बिकॉज यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बट अब क्या होता है, आप सीधा जाकर फाइनल एग्जाम देते हो जबकि सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, बहुत ही टफ एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है, और आप सीधा जाकर एग्जाम में बैठ जाते हो, गलतियां वहां करते हो और 6 अटेम्प्ट 6 महीना आपका निकल जाता है, 1 अटेम्प्ट आपका बर्बाद हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट। पता बच्चा टेस्ट देने से क्यों हेजिटेट करता है, क्यों नहीं देना चाहता? डर लगता है कि खुद की औकात ना पता चल जाए। सच बता रहा हूं मैं, डर लगता है कि कहीं हमें अपनी औकात ना पता चल जाए और उसी डर से हम टेस्ट नहीं देते। और कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं टेस्ट क्या दूंगा। तो भाई अभी डरने से कुछ नहीं होगा, वो डर का सामना तुम सीए फाइनल्स में करोगे, ऐसा अभी कर लो। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे हैं तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें ले डूबेगा। टेस्ट देना स्टार्ट करो, तुम्हें रियलाइज होगा तुम गलतियां कहां कहां करते हो। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट दीजिए, फिर आप 100 मार्क का टेस्ट दीजिए। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ संजीवनी कोर्सेज वगैरह के थ्रू। आप अभी कोई और क्लासेस वगैरह शायद देख रहे होते तो आप 100 घंटे लगा रहे होते, आप 20-22 घंटे में रिवाइज कर रहे हो। प्लीज यूटिलाइज द टाइम इन गिविंग द टेस्ट, ठीक है? प्लीज यूटिलाइज द टाइम इन गिविंग द टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हमारा एक अपना मेंटर का टेस्ट सीरीज है। अब मैं अपनी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, बिलीव मी अपना मेंटर टेस्ट सीरीज में कुछ भी प्रॉफिट वाइज कुछ नहीं होता, सिर्फ खर्चे निकलते हैं। तो मैं मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, अपना मेंटर टेस्ट सीरीज है। दैट इज ए वेरी वेरी रिलायबल टेस्ट सीरीज आई कैन से, जो कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़े स्केल में टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हर सब्जेक्ट के अंदर 8 चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, 200 मार्क टेस्ट होते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट 45 मिनट्स का होता है, 25 नंबर का, कि आप दिन का 45 मिनट्स लगाएं और टेस्ट दें, और फिर उसके बाद 100 मार्क का टेस्ट होता है। जैसे ऑडिट है तो स्टैंडर्ड्स का अलग टेस्ट मिलेगा, कोड ऑफ एथिक्स का अलग टेस्ट मिलेगा, कंपनी ऑडिट का अलग टेस्ट मिलेगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के टॉपिक डिवाइडेड होंगे 3-4 एरियाज में, 3-4 सेगमेंट्स में, फिर 200 मार्क के टेस्ट होंगे। तो पहले आप चैप्टर पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, आपको हर एक आंसर का इवैल्यूएशन मिलता है, आपको ओवरऑल रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन मिलता है, ओवरऑल मार्क्स मिलते हैं, आपकी वीकनेसेस हाईलाइट होती हैं, फिर आप 100 मार्क का टेस्ट दें। आप रियलाइज नहीं, आप जब टेस्ट देना स्टार्ट करोगे आप रियलाइज करोगे आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो प्लीज डोंट मिस दिस। काफी स्टूडेंट के टेस्ट मिस कर देते हैं और यहाँ वो गलती करते हैं, प्लीज आप वो मिस मत करना। अगर आप संजीवनी कोर्स अच्छे से देख रहे हो पास तो हो जाओगे ऑडिट में, गारंटीड है पास तो हो जाओगे, अच्छे से देख रहे हो तो गारंटीड पास हो जाओगे। लेकिन सिर्फ पास होने के लिए क्लास देख रहे हो क्या यार? तुम्हारा टारगेट हो सकता है सिर्फ पास होने के लिए क्लास देख रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एग्जम्पशन लेके आओ, 70 लेकर आओ, ऑल इंडिया आईएएस लेकर आओ ऑडिट में। कैसे लाओगे? पहले कोर्स देखो अच्छे से, वॉइस क्लिप बार बार सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, एंड अपने परफॉर्मेंस को असेस करो बाय गिविंग द टेस्ट। टेस्ट दे दोगे, ईमानदारी से दोगे, घर में बैठ के ईमानदारी से दोगे, बिना आंसर्स देखे दोगे, जो भी है एक्सेप्ट करोगे, गलतियां पता चलेंगी, कोशिश करोगे उस गलतियों से सीखोगे, रिपीट नहीं करोगे। टेस्ट दे दिया, गलती मार्क गलती आइडेंटिफाइड हो गए, बट आप गलतियों से सीख नहीं रहे हो तब भी कोई फायदा नहीं है टेस्ट दे देगा, मत दो इससे अच्छा। राइट, टेस्ट पेपर्स में एनरोल करा लिया बट टेस्ट नहीं दे रहे जी, मन था करा लिया टेस्ट नहीं दिया, मत एनरोल ही मत कराओ भाई। प्लीज एनरोल फॉर द टेस्ट, प्लीज गिव द टेस्ट, प्लीज गिव द टेस्ट विद डेडिकेशन,
फर्स्ट गिव द चैप्टर वाइज टेस्ट, देन गिव द 100 मार्क टेस्ट. कुछ लोग बोलते हैं कि बस सिर्फ 100 मार्क का टेस्ट देना है, गलती कर रहे हो. 100 मार्क टेस्ट में कभी तुमको प्रॉपर असेसमेंट नहीं मिल सकता जब तक तुम चैप्टर वाइज अपने परफॉर्मेंस को असेस ना करो. पहले चैप्टर वाइज अपने परफॉर्मेंस को असेस कीजिए, फिर 100 मार्क का टेस्ट दीजिए. ठीक है, एक और चीज, एक और फिर एडवाइस दूंगा. एक सवाल आता है काफी जनों के मन में, सर एमसीक्यूज का क्या करें? भाई एमसीक्यूज भी तो अब एग्जाम में. तो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलती मत करना, एक ट्रैप में मत फंस जाना, दैट इज कॉल्ड एज द हनीमून ट्रैप फॉर एमसीक्यू. व्हाट इज द हनीमून ट्रैप फॉर एमसीक्यू? अरे यार मेरे बुक में 1700 एमसीक्यू कवर्ड है, मेरे बुक में 2000 एमसीक्यू कवर्ड है, 1500 एमसीक्यू कवर्ड है. बच्चा लगा 1500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में, 2000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में, भाई उस हनी ट्रैप में मत फंस जाना. देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ एमसीक्यूज. 50-60 घंटा एमसीक्यू में लगा के कोई फायदा नहीं है. देर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ एमसीक्यूज. जो काम आना है मेनली कॉन्सेप्ट आना है. कॉन्सेप्ट आता है तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कर लोगे, आप एमसीक्यू भी कर लोगे. याद करो सीपीटी में पूरा एमसीक्यू बेस्ड हुआ करता था, फिर भी पहले आप कॉन्सेप्ट में फोकस करते थे, फिर कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यूज करते थे. अभी 30 नंबर के लिए इतने पागल हो गए हो एमसीक्यूज के लिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी इग्नोर कर रहे हो. डोंट डू दैट, ऐसी गलती ना करें. पहले कॉन्सेप्ट्स को फोकस करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, फिर एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करें, लेकिन मेक श्योर लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज, नॉट टू मच नंबर ऑफ एमसीक्यूज. इसलिए मैंने अपने एमसीक्यू बुक में भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं डाले, 750 एमसीक्यूज तक कवर करा है. ठीक है, 750 एमसीक्यूज तक कवर करा है कि दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज कोई एंड नहीं है. कोई अगर आप 2000 एमसीक्यूज कर भी लोगे कोई गारंटी नहीं है उससे आएगा, और आएगा तब भी आपको याद नहीं रहेगा, काम तो कॉन्सेप्ट ही आना है. टाइम कम है तो एटलीस्ट आईसीआई के एमसीक्यूज करें. जितना ICI ने दिया, दिमाग खराब हो जाएगा ICI का MCQ करते वक्त. प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, सर फट जाएगा एक बार को. ICI के MCQs करो. ICI के MCQs अलग अलग फॉर्मेट में ICI ने दिया है, सैम्पल MCQs, RTP में दिया है, MTP में दिया है. व्हाट आई हैव डन इज उन सब MCQs को कंसोलिडेट करके आई हैव प्रोवाइडेड यू अपना मेंटर के अंदर. आप 199 MCQs हैं ICI के, वो यूज करो सबसे पहले. उसके बाद टाइम मिलता है आप मेरा MCQ बुक ले सकते हो. तो एमसीक्यू बुक के अंदर टोटली 750 एमसीक्यूज हैं, 199 ICI एमसीक्यूज दिए हैं मैंने, 12 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट्स, एंड देन गुड क्वालिटी एमसीक्यूज फ्रॉम एवरी चैप्टर. तो कम एमसीक्यूज करें, प्रैक्टिस के हिसाब से करें, पूरा फोकस कॉन्सेप्ट में लगाएं. मेक श्योर करें आपका ऑडिट का कम से कम 5 बार रिविजन हो जाए, और कम से कम आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ एक बार टेस्ट जरूर दे दें. 5 बार रिविजन हो जाएगा क्या? बहुत आराम से यार, 22 घंटे का संजीवनी कोर्स देखोगे एक बार तो यहीं रिवाइज हो गया. 22 घंटे का कोर्स देखोगे तो 22 घंटे में सेल्फ स्टडी भी हो सकती है. वॉइस क्लिप के थ्रू 6 घंटे में रिवाइज हो जाता है. 5 बार वॉइस क्लिप सुन लोगे, 30 घंटे में 5 बार रिवाइज हो गया. 5 बार क्या, तुम ज्यादा बार भी रिवाइज कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे स्मार्टनेस के अप्रोच से. लास्टली, हाउ द वीडियोज इन दिस संजीवनी कोर्स इज कंपाइल्ड. कुछ वीडियोज जो हैं काफी ऐसे वीडियोज हैं जिसके अंदर, टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर स्पेशली, मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, मैंने कहीं बुक्स में मार्किंग नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज टाइम कम है. 20-22 घंटे में मैक्सिमम कवरेज करना है अपने को. दैट इज वाई मेरा जो कोशिश था वो यही था कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आंसर अपने को एग्जाम में लिख के आना है, ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए. तो वहां मैंने ज्यादा मार्किंग वगैरह नहीं कराया. कुछ एरियाज है जहां मैंने मार्किंग कराया, जैसे कि कंपनी ऑडिटर, जहां मैंने रिटन नोट्स दिए हैं आपको, जहां जो जरूरत लगे वो अप्रोच फॉलो करा है हमने संजीवनी कोर्स के अंदर, जहां जो जरूरत लगे. दो ऐसे वीडियोस हैं संजीवनी कोर्स में, दो ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने YouTube से भी उठाए हैं. आप देखकर पैनिक मत होना रहे यार, YouTube का वीडियो सर ने डाल दिया. जो अमेंडमेंट वीडियो है मई 19 का, एक टैक्स ऑडिट, एक GST ऑडिट, सिर्फ दो वीडियोस में मैंने ऐसा करा है. क्यों करा है? बिकॉज टैक्स ऑडिट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स थे मई 19 के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स, लेकिन पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने. GST ऑडिट के अंदर मई 19 में बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स थे, और अभी नवंबर 19 एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि दैट इज द रियल संजीवनी फॉर यू, आपको वो आना ही चाहिए. इसीलिए मैंने क्या करा है कि सिर्फ टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट में वो दो वीडियोस, वो अमेंडमेंट वाला उठाया जो मैंने यूट्यूब में डाला था पहले, सिर्फ उन दो चैप्टर के अंदर, बिकॉज दैट इज द रियल संजीवनी फॉर यू. बाकी सारा नया रिकॉर्डिंग्स है जो अभी करा है. ठीक है, तो विश्वास रखो, जब क्लासेस ली है विश्वास रखो, जब क्लासेस ली है फेथ रखो. मैं खुद चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करें. वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू. आप देखोगे मैं रात को दो बजे तक 3-3 बजे तक एक्टिव रहता हूं टेलीग्राम में, यूट्यूब में, आपके लिए जितना हो सके उतना रिसोर्सेज शेयर करता हूं. राइट, कभी कभी यार क्वाइरीज का रिप्लाई नहीं कर पाता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट आप सोच के देखो यार, हजारों स्टूडेंट्स हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट आई डू ट्राई कि यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से जितने भी रिसोर्सेज हो सके आपके लिए शेयर करूँ, जितने भी मोटिवेशंस हो सके आप तक पहुँचाऊँ. तो आई डू ट्राई माई बेस्ट. लास्टली, वन मोर थिंग आई विल लाइक टू कन्वे इज दैट, सर क्या अमेंडमेंट इस संजीवनी कोर्स में कवर्ड है? द आंसर इज येस, अमेंडमेंट संजीवनी कोर्स में कवर्ड है. लेकिन
अब देखो ये जो वीडियोस है संजीवनी कोर्स के, वैसे तो अभी आरटीपी के बाद रिलीज हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं चाहता तो चैप्टर बाय चैप्टर जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है वो साथ में रिकॉर्ड करके आपको दे सकता था, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज नया रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन उससे अमेंडमेंट का ना यूटिलिटी खत्म हो जाता है बिकॉज वो नॉर्मल प्रोविजन के साथ मिक्स हो जाता है, आप उसे नॉर्मल तरीके से रीड कर लेते हो, इसलिए मैंने वैसा नहीं करा है। इसीलिए संजीवनी कोर्स के साथ साथ मेरा जो एक अमेंडमेंट वीडियो रहेगा, मुश्किल से एक घंटे का वीडियो रहेगा, मुश्किल से एक घंटे का, वो आप साथ में देखोगे। मैं चाहता तो साथ साथ इनकॉर्पोरेट कर देता अमेंडमेंट, लेकिन उससे अमेंडमेंट की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको अलग से दिया गया ताकि आपको वो हाईलाइट हो सके कि अमेंडमेंट आपको याद करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि मेरे संजीवनी कोर्स के साथ साथ आप एक मई 19 का अमेंडमेंट वीडियो देखना, एक नवंबर 19 का। सर मई 19 का क्यों, आपने कवर नहीं कराया क्या? कवर कराया है, बट मई 19 का अमेंडमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एक बार अलग से देख लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नवंबर 19 का अमेंडमेंट एक बार अलग से देख लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज डू सी दिस टू वीडियो सेपरेटली। 20-22 घंटे का संजीवनी कोर्स है, वो 2 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो है, 24 घंटे हार्डली आपको लगाने हैं, फिर 6 घंटा लगाकर आपको वॉइस क्लिप के माध्यम से रिवाइज करना है और फिर एक टेस्ट देना है। इतना एफर्ट्स लगा लोगे तो 6 महीने बच जाएंगे, ऑडिट लॉ में एग्जम्पशन ले आओगे, और क्या चाहिए, है ना? तो आई बिलीव इतना पेन तो लेने के लिए आप तैयार हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमेशा जुड़ा रहिएगा, हमेशा जुड़ा रहिएगा। बी कनेक्टेड इन माय टेलीग्राम चैनल, वी आर लाइक ए फैमिली ओवर देयर। चैनल का नाम है लॉ एंड ऑडिट सागा, चैनल का नाम है लॉ एंड ऑडिट सागा। तो बी कनेक्टेड इन माय टेलीग्राम चैनल। अपना mentor.com आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, रेगुलर बेसिस में मैं नए नए रिसोर्सेज वहाँ अपलोड करते रहता हूँ जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। एंड लास्टली बिफोर स्टार्टिंग विद द संजीवनी कोर्स, अपने भगवान को जरूर याद करें, जिनको भी आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लें बिकॉज उनके ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको याद जरूर करें, एंड देन यू स्टार्ट विद द संजीवनी कोर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और डेफिनेटली एक जो लास्ट मिनट बूस्टर की जरूरत थी वो बूस्टर आपको प्रोवाइड करेगा। ऑल द बेस्ट।